सभी दर्शकों को नमस्कार, मैं अमित सिंह एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका आपके अपने फिटनेस चैनल प्योरिटी अबाउट फिटनेस पर। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो का हमारा टॉपिक है वो है सर्किट ट्रेनिंग यानी फुल बॉडी वर्कआउट। दोस्तों, खुशी का वो लम्हा आ चुका है जिसका हम सभी फिटनेस लवर्स को था बहुत बेसब्री से इंतजार। जी हाँ, हमारे जिम खुल चुके हैं और हम सब एक बार फिर से साथ में। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो का हमारा टॉपिक है वो है सर्किट ट्रेनिंग यानी फुल बॉडी वर्कआउट। इसको करने का सीधा सा मकसद हमारा ये है कि हम काफ़ी दिनों बाद जिम में आए हैं और इसको परफॉर्म करना इसलिए ज़रूरी है कि हमारी बॉडी एक बार फिर से वर्कआउट रूटीन के लिए तैयार हो जाए। तो बिना समय गवाए आए चलते हैं, आज का करते हैं वर्कआउट। तो दोस्तों, वीडियो बने रही है हमारे साथ आखिर तक, वीडियो को स्किप मत करना क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि सर्किट ट्रेनिंग में ऐसी कौन सी वर्कआउट है जो आपके लिए हो सकती है बेस्ट। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो गाइस, जो आज का हमारा पहला वर्कआउट होगा वो हम एक केबल से परफॉर्म करने वाले हैं। इसको कहते हैं केबल अपराइट रो। ये हमारे ट्रैप मसल के लिए बहुत बेस्ट वर्कआउट है। तो आइए मैं आपको इसको कर बताता हूँ कि इसको कैसे करना है और इसका क्या रेपिटेशन रहेगा, इसका पोस्चर क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको करना ये होगा कि कम से कम 6 से 8 इंच की दूरी पर आप ब्रेक को पकड़ लें। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अभी आप चेस्ट को एकदम हाई करो, अपना कोर रखेगा टाइट। फिर इसको धीमे धीमे ऊपर लेके आएगा, मसल को स्क्वीज करेंगे, 2 सेकेंड होल्ड एंड डाउन, स्क्वीज डाउन। मसल को ध्यान देना कि बॉडी का पोस्चर गड़बड़ा नहीं चाहिए, हल्का था, आपको नी डाउन करना है और कोर को रखना है टाइट। स्क्वीज योर मसल एंड स्लो डाउन। इसका हम करेंगे नंबर ऑफ रेपिटेशन 15 और नंबर सेट होंगे 3। गाइस, सेकंड वर्कआउट पे आ चुके हैं, लेकिन आप ध्यान रखो कि आपको वायरस से बचना है तो आप अपने हैंड को सैनिटाइज करते रहिए समय समय पर ताकि वायरस का खतरा कम रहे। तो हम अपनी दूसरी वर्कआउट परफॉर्म करने वाले हैं, इसको कहते हैं डंबल प्रेस। शोल्डर के लिए वर्कआउट परफॉर्म करने वाले हैं। तो आप एक बेंच पे बैठ जाओ, स्टूल पे। आप डंबल का जो इस्तेमाल करने वाले हो वो आपका मोटेड वेट होना चाहिए क्योंकि इसके जो हम रेपिटेशन लेंगे वो रखेंगे लगभग 12 से 15 और नंबर सेट करेंगे 3। तो ये करने वाले शोल्डर प्रेस। ये स्टार्टिंग पोजिशन पर आप इसको रखिए लाइक दिस, इस पोजिशन पर आज को देखो। और ये कोर को टाइट रहेगा, चेस्ट पूरा हाई रहेगा, पूरा जाएगा ओवरहेड, 2 सेकंड स्क्वीज करेंगे एंड डाउन। याद रहे कि इससे नीचे नहीं आएंगे किसी भी कंडीशन में, बस यहाँ पे हैंड रहेगा और यहाँ से ही ऊपर, जर्क नहीं करना है। तो चलो गाइस, करते हैं अपना तीसरा वर्कआउट। हम आगे पैटर्न से आइए, मैं आपको दिखाता हूँ कि इसको कैसे करना है। और ध्यान रखिए कि मैंने पहले बोला है कि मोटेड वेट का सिलेक्शन कीजिएगा क्योंकि हमको नंबर ऑफ रेपिटेशन रखने 15 to 12 और नंबर ऑफ सेट रहेंगे 3। तो इसको परफॉर्म करने के लिए मैंने एक मोटेड वेट का सिलेक्शन कर लिया है। इसकी जो दूरी आप पकड़ोगे समथिंग रहेगी 16 to 18 inches। ध्यान रखिएगा लाइक दिस, आप सीधे लेट जाओ। याद रहे कि आपका कोर टाइट रहेगा और अपना आर्च मेंटेन रखेगा, कोई जर्क नहीं होगा, एकदम आराम से इसको पकड़ लें, चेस्ट पूरा हाई कर लें। इसको धीमे धीमे मिड चेस्ट की तरफ लेके आओगे आप सभी और इसको बिना जर्क किए इसको इस कर दो लाइक दिस, 2 सेकंड होल्ड करोगे एंड डाउन, जर्क नहीं होना चाहिए। चलो दोस्तों, अपना चौथा वर्कआउट परफॉर्म करते हैं। इसके लिए हम आ गए हैं लैट पुल डाउन मशीन पे। अब इसको मैं दिखाता हूँ कि आपको इसको कैसे आप सही तरीके से कर सकते हो। याद रखें, इसका भी रेपिटेशन सेम रहेगा यानी 15 to 12 रेपिटेशन और नंबर ऑफ सेट रहेंगे 3। तो सबसे पहले हमको इसको पकड़ना है शोल्डर से थोड़ा सा बाहर, मोटेड वेट रखिएगा, ज़्यादा वेट मत लीजिएगा। आप एकदम सीधे बैठ जाओ कुछ इस पोजिशन में, अपना आर्च मेंटेन कीजिए पूरा
फिर अपनी लैट मसल को स्क्वीज करते हुए आप जितना इसको स्क्वीज कर सकते हो इसको नीचे लेके आओ, दो सेट होल्ड करो एंड डाउन स्लोली डाउन, स्क्वीज एंड स्लो डाउन। पर ध्यान है कि आप बॉडी का पोस्चर गड़बड़ा नहीं, चेस्ट और आपका हाई रहेगा, एक ही पोस्चर में स्क्वीज योर मसल एंड स्लो डाउन, ब्रीथ आउट एंड इन। ओके गाइस, बढ़ते हैं अपने पांचवें वर्कआउट की तरफ। सो ये हम करने वाले हैं बारबेल कर्ल। जी हाँ, ये बाइसेप्स का बहुत अच्छा वर्कआउट है। तो अब मैं बताता हूँ इसको कैसे आपको परफॉर्म करना है। तो सबसे पहले अपने पैरों का जो डिस्टेंस होता है वो आपका रहेगा शोल्डर के परपेंडिकुलर, ये आपको ध्यान रखिएगा, ये बहुत रहता है मैंने, ठीक है। फिर आप रॉड को पकड़ लें, यहाँ पे शोल्डर से थोड़ा सा बाहर हल्का सा लाइक दिस। आप चेस्ट को पूरा हाई कर लीजिए, कोर को रखिएगा पूरा टाइट, ध्यान रखिए, और नी को हल्का सा सॉफ्ट कर लें यहाँ पे ताकि आपको इंजरी का चांस ना रहे। और याद रहे कि आपका हैंड आगे पीछे नहीं होना चाहिए, यहाँ पे इसको फिक्स कर लीजिए बिना जल करते हुए, मसल को स्क्वीज करते हुए पूरा पुल लेके आए, दो सेकेंड रुके एंड डाउन स्क्वीज एंड डाउन। इसका भी हमको करना है, नंबर ऑफ सेट रहेंगे इसके 3 और नंबर ऑफ रेपिटेशन रहेंगे 12। अब हम आ गए हैं अपने अगले वर्कआउट की तरफ, ये है केबल प्रेस डाउन। ये आपके ट्राइसेप्स के लिए बहुत ही बेस्ट वर्कआउट है और ओवरऑल ट्राइसेप्स का आपका बेस्ट वर्कआउट है। तो आज हम अभी इसके जानते हैं कि कैसे इसको परफॉर्म करेंगे, क्या इसका रेपिटेशन होगा सारा कुछ। तो सबसे पहले आपका जो बताया था अभी कि मैंने बॉडी का जो पोस्चर, जब आप खड़े होते हो तो आपका शोल्डर के परपेंडिकुलर अपने लेग को रखें, ठीक है। नी को हल्का सॉफ्ट रखें, चेस्ट हाई कोर टाइट, ध्यान रखिएगा। और इसका जो ग्रिप हैंड का होगा वो लाइक 6 to 8 inches पकड़ेगा। मॉडरेट वेट का सिलेक्शन करना है, मैंने पहले ही बोला था, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। अब आपका आर्च मेंटेन रहेगा, हल्का सा बट पीछे कर लिए, नी सॉफ्ट रहेगा, चेस्ट को हाई करते हुए अब ये इसको धीमे धीमे ऊपर लेके आओगे, सिर्फ इतना, ज़्यादा ऊपर आने की जरूरत नहीं है। और फुल डाउन, फुल स्क्वीज एंड डाउन। बस ध्यान रहे कि आपका एल्बो आगे पीछे नहीं होगा, और जब आप मसल को स्क्वीज करोगे तो आपका जो है ब्रीथ आउट होगा। इसका नंबर ऑफ रेपिटेशन रखेंगे 12 से 15, नंबर ऑफ सेट रहेंगे इसके 3। स्क्वीज गाइस, अब आ गए अपने अगले वर्कआउट की तरफ, यह है लेग एक्सटेंशन। यह आपकी ओवरऑल लेग के लिए बहुत ही बेस्ट वर्कआउट है और खासकर आपका क्वाड्स के लिए, क्वाड मसल के लिए। तो इसको हम करेंगे कम से कम 3 सेट और नंबर ऑफ सेट रहेंगे 12 से 15। बस आपको ध्यान देना है कि मोटेड वेट का सिलेक्शन करें, और आपको मैं सारा जानकारी पहले दे चुका हूँ। तो हम यहाँ पर चेस्ट को हाई रखेंगे पूरी तरह से, आप इसके अगर अगर हैवी होते हैं इसको पकड़ लीजिए, फिर मसल को स्लोली उठाइए यहाँ पे, 2 सेकेंड यहाँ पे स्क्वीज कीजिए एंड छोड़ा। बस ध्यान रहे कि प्लेट टच नहीं लीजिए, इसको हल्का सा हैंड रखें ताकि आपकी मसल में एक्टिविटी बढ़ जाए। तो स्क्वीज एंड सोडा, याद रहे कि जर्क लेकर नहीं बनाना है, जर्क एकदम नहीं होना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। स्क्वीज सोडा। सो गाइस, अब हम आ गए अपने आखिरी वर्कआउट की तरफ, ये है प्लैंक। प्लैंक के बारे में अगर ज़्यादा आपको जानकारी चाहिए हो तो मैंने इससे भी पहले अपना वीडियो अपलोड कर दिया था, तो वो मैंने लिंक पे ऐड कर दिया, आप उसके बाद जो लिखेगा। तो इसको करना है हमको 3 सेट, कैपेसिटी आप लिख लो उतना कीजिएगा, पर इसका सही पोस्चर क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले अपने शोल्डर के पैरल अपने हैंड को रखिएगा लाइक दिस, पूरी बॉडी रहेगी परपेंडिकुलर, ना ज़्यादा ऊपर ना ज़्यादा नीचे, ध्यान दीजिएगा कोर इतना आपका टाइट रहेगा, सामने ले लेना है, व्हील को आउट कर दिए और कोर को रखिए टाइट, जितना मैक्सिमम होल्ड कर सकते हो। तो दोस्तों ये थे आप सभी के लिए फुल बॉडी वर्कआउट, आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में आके जरूर बताइएगा। और प्लीज कमेंट करके आप ये भी बताइए कि अगला टॉपिक वीडियो पे क्या होना चाहिए आप सभी के लिए।
जो मित्र हमारे चैनल पहली बार आए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपना ख्याल रखिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें क्योंकि उचित दूरी बहुत जरूरी है। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।